हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो आपका पास जो चिल्लर है, जो चिल्लर में जो कैसे उसका एफिशिएंसी को जो इम्प्रूव कर सकता है, मतलब उसी में जो क्या क्या कुछ मॉडिफाई करने से आपका चिल्लर एफिशिएंसी हम लोग को इंक्रीज कर सकता है। चिल्लर एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा तो आप लोग को पावर कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, वही है ना। सो उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। वो तो मैं तो हिंट देने वाला है क्या क्या करना है तो आपका चिल्लर एफिशिएंसी जो बढ़ जाएगा बोल के हम लोग को जो सिंपली हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। उसका पहले अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए, अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो दबाने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अंदर चलेंगे। वो अभी आपको मालूम है जो चिल्लर में क्या क्या जो मेन पार्ट है अभी बोल के सभी लोग को मालूम है, सभी लोग को जानता है। अभी उसी में आपका चिल्लर वो बहुत पुराना वाला चिल्लर है, मतलब 10 ईयर का चिल्लर है, नहीं तो 5 ईयर का चिल्लर है। वो जो उसका कंप्रेसर वो एडवांस टाइप नहीं है बोल के, एडवांस्ड नहीं है बोल के आप लोग को लगने से आप जो कंप्रेसर को रिट्रोफिट कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर रिट्रोफिट करने से आपको क्या है 9-10% का जो एफिशिएंसी को आप इम्प्रूव कर सकता है, एक पॉइंट है। दूसरा क्या है, कंप्रेसर को VFD लगाना है, मतलब जो कुछ जो कंप्रेसर है जो फुल मोड में मतलब फुल लोड में जो लगाने का जो कॉन्सेप्ट में जो रहता है वो आप VFD लगाने से जो आप 10-20% क्या जो लोड है जो उसका लोड का हिसाब से वो चालू हो जाएगा। इसलिए चिल्लर VFD लगने से आपको 20-30% का जो एफिशिएंसी को जो इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा क्या है, चिल्ड वाटर रीसेट। चिल्ड वाटर रीसेट मतलब क्या है, अभी आपका पास जो सेट पॉइंट आप चिल्लर का सेट पॉइंट 7 डिग्री बोल के जो रखता है उसी को 1 डिग्री आप थोड़ा इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, आपका चिलर एफिशिएंसी को आप 1-2% का क्या है आपका एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब आपका जो लोड, आपका कूलिंग भी अच्छी होना है, सब कुछ जो अच्छी होना है वो सभी को दे के आप जो उसको बढ़ाना है। ठीक है, जो चिल्ड वाटर रीसेट करके आप जो चिलर एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जो कंडेंसर फैन को कंडेंसर वाटर रीसेट करके भी आपको जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये एयर कूल्ड चिलर में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो वाटर कूल्ड चिलर में जो कंडेंसर वाटर को आप रीसेट कर सकता है। ठीक है, जो कुछ जो मैं बोला ना 1 डिग्री तो यदि आप इंक्रीज करने से वो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज। वो मतलब क्या है, आपको क्या चाहिए उसी के हिसाब से करना है, मतलब ठीक है करने से आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, कंडेंसर फैन रेट्रोफिट, मतलब कंडेंसर फैन में अभी सभी लोग को मालूम है वो जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हम लोग को यूज करता हूँ, जो थ्री फेज का इंडक्शन मोटर को आप लोग को ईसी फैन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो ईसी फैन है ना, जो ईसी फैन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कॉम्पेटेटर फैन, जो ये इंडक्शन मोटर है जो बहुत पुराना जो मॉडल है वो जो ज्यादा जो कंज्यूम करेगा जो पावर उसी का हिसाब से जो आप ईसी फैन जाएगा तो आपको आपका चिल्लर एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, ऑटोमेटिकली पावर कंजम्पशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, आपका एक्सपेंशन वाल्व, मतलब पुराना जो चिल्लर में आपको थर्मल एक्सपेंशन वाल्व रहने से आप उसको रेट्रोफिट करके आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाल्व से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व को आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करने से आपको चिल्लर एफिशिएंसी बढ़ने का बहुत चांसेस है, बढ़ने का चांस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, जो चिल्लर को क्लीनिंग है, मतलब जो एवापोरेटर कंडेंसर जो कॉइल को जो फ्रीक्वेंटली आप लोग को क्लीन करते रहना चाहिए। क्लीन करते रहने से जो हीट ट्रांसफर अच्छा उसमें जो क्या है हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका एफिशिएंसी भी जो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब चिल्लर का एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा। जो देखना है, मतलब एवापोरेटर कॉइल को अंदर को आप नहीं अंदर को नहीं दे सकते, लेकिन वो जो कंडेंसर का जो कॉइल है ना उसको देख सकते हैं, उसमें जो क्या पार्टिकल जो छोटा छोटा पार्टिकल उसमें पड़ गया है कि नहीं पड़ गया, जो कैसे निकालना है आप लोग को चेक करके उसको कर सकता है। बस इतना ही, जो फर्स्ट पॉइंट यह है चिल्लर कंप्रेसर रेट्रोफिट, दूसरा कंप्रेसर VFD को जो लगाने से मिल जाएगा, फिर चिल्ड वाटर रीसेट, कंडेंसर वाटर रीसेट, फिर क्या है जो क्लीनिंग का जो कॉइल क्लीनिंग है, फिर एक्सपेंशन वाल्व को जो चेंज करने से भी मिल जाएगा, फिर कंडेंसर फैन को रेट्रोफिट करने से आपको आपका चिल्लर को एफिशिएंसी कर सकता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। अगर एफिशिएंसी इम्प्रूव होने से आपको ऑटोमेटिकली पावर कंजप्शन भी आप सेव कर सकता है। ठीक है, ये तो स्मॉल हिंट दिया है ये वीडियो में। इसी में आपका कौन सा जो टॉपिक पहले जो डिस्कस करना चाहिए, तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने से आप लोग को अच्छा लगेगा बोल के आप सोचने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ये वीडियो आपको पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।